तो हेलो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी होने के बाद कैंडिडेट स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट आए कि मैं इस कैटेगरी से हूँ, मेरे इतने नंबर बने हैं, तो क्या मुझे काउंसलिंग करवानी चाहिए या फिर नहीं करवानी चाहिए, मुझे कॉलेज अलॉट होगी या नहीं होगी। और जिनके एवरेज में अच्छे नंबर है वो ये कॉमेंट कर रहे हैं, क्या मुझे फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो जाएगी, क्या मुझे सेकेंड लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो जाएगी, क्या मुझे और राजस्थान में कहीं भी कॉलेज बीएसटीसी की कॉलेज मिल सकती है, क्या मुझे डाइट कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट के अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसी के लिए मैं ये पूरा का फुल डेडिकेट वीडियो बना लिए तो आप सभी के लिए। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले क्या कर देना है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपकी जो कैटेगरी है, चाहे आप जनरल कैटेगरी से, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, चाहे ओबीसी एमबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी कैटेगरी की क्या सटीक कट ऑफ रहेगी, कितने नंबर पर आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए, क्या आपको काउंसलिंग नहीं करवानी चाहिए, क्या काउंसलिंग की प्रोसेस रहेगी, इस वीडियो में आपको कंप्लीट अपडेट बताने वाला हूं। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री डीएलएड कॉलेज आवंटन, यानी कॉलेज अलॉटमेंट से पहले अभ्यर्थियों को संशोधन का मौका दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा, यदि आपके किसी भी आवेदन में, यानी आपके आवेदन फॉर्म में किसी भी प्रकार का कोई आपके मिस्टेक थी, यानी आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि थी, तो उसको आपको सुधार के लिए विभाग ने एक मौका दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं संशोधन जो है 3 अक्टूबर तक आप आसानी से करवा सकते हैं, ठीक है। अब किस किस में संशोधन करवा सकते हैं, तो आप यहाँ पर बता आप सकते हैं कि फोटो हस्ताक्षर पाठ्यक्रम के प्रकार में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा, यानी आपका जो फोटो है एक तो उसमें संशोधन नहीं होगा, जो आपके सिग्नेचर यानी आपके जो हस्ताक्षर थे वो आपके संशोधित नहीं होंगे, और एक आपका जो पाठ्यक्रम यानी जो आपने जनरल संस्कृत जो भी आपने सुना था उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, बाकी आपके नेम में, ठीक है, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, या फिर अदर कोई आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनमें आप जो है आसानी से क्या कर पाएंगे, संशोधन कर पाएंगे, ठीक है। यहां पर आपको संशोधन करने के लिए अभ्यर्थी विभाग की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर करेक्शन पैनल के जरिए स्वयं लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए क्या कर पाएगा, संशोधन कर सकता है। तो आप यदि आप संशोधन करवाना चाहते हैं, ठीक है, यदि आपसे संशोधन नहीं हो रहा है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, कल्याण वाईटी मास्टर, वहां पर आप मैसेज करें, आपकी जो भी आईडी वगैरह पासवर्ड मुझे दीजिए और मैं आपका जो भी आपको संशोधन करना है वो हमारी टीम जो है आपको करके दे देगी, ठीक है। तो ये हमारा यूजर आईडी आपके। अब हम बात करेंगे राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2023 की फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक फॉर रिजल्ट, तो यहाँ पर अभी तक आपने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया तो इस लिंक के माध्यम से आप आसानी से रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। नोटिस अनाउंसमेंट के पैनल पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिटिंग विंडो, यहाँ से आप जो है अपने फॉर्म में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकते हैं। अब सटीक कट ऑफ क्या रहेगी, तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो मैंने आप सभी को बता दी थी कि 400+ ही जो यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है। बाकी यदि आप ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी से, ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से है, तो यदि आपकी 350 है नंबर है, यदि 300 नंबर है तो आपको काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए, यानी आपको काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए। यदि आप काउंसलिंग के 3000 रुपये पे करते हैं और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर रिफंड, या तो यदि आपका कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको 2800 रुपये आपको रिफंड अपने जो बैंक अकाउंट लिंक होगा उसमें आपके जो है यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपको काउंसलिंग जरूर करवानी चाहिए क्योंकि आपका फाइनल जो लिस्ट है, यानी चाहे फोर्थ लिस्ट फाइनल हो चाहे फिफ्थ लिस्ट फाइनल हो, उसमें आपका जो यहाँ पर नाम जरूर आ सकता है। तो ये जो यहाँ पर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।